मुजफ्फरपुर बिहार में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो शिवेंद्र झा के फेसबुक अकाउंट से शेयर की गई है। हम आपको बता दें कि रविवार 22 मार्च की शाम को शिवेंद्र झा की हत्या करने की कोशिश की गई थी। जी नमस्कार, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के DGP श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, मुजफ्फरपुर जिला के प्रशासनिक अधिकारी और अय्यापुर के थानेदार, सभी को मैं ये वीडियो बना के उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि 22 मार्च को मुझ पे जानलेवा हमला किया गया, जान मारने की नीयत से, जो कि मैंने वहाँ जगन्नाथ मिश्रा के पास जमीन एग्रीमेंट कराया है, उस जमीन पे मैं गया था। मुझे सूचना मिली थी कि मेरा जमीन का बाउंड्री वॉल तोड़ा गया है, और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ भारी संख्या में लोग, 10 से 12 की संख्या में लोग वहाँ थे। और जब मैं वहाँ से आया तो मुझे एक व्यक्ति भोली श्रीवास्तव ने मेरे गले में हाथ लगा के बोला कि इधर आइए, और उन लोगों का एक गाय का खटाल है, वहाँ मुझे ले गया जाया गया। जब मैं वहाँ गया तो मुझ पर गोली चलना शुरू हो गया, और तब मेरे पीछे रह गए मेरे बिजनेस पार्टनर सुनील सिंह द्वारा हल्ला करते हुए वहाँ के आम लोगों को बुलाया गया, जिसमें मैं बाल बाल बचा और उन लोगों के सहयोग से बचा। और आप देख सकते हैं यहाँ बाई और मुझे यहाँ पे गोली लगी हुई है, जो 23 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था माँ जानकी अस्पताल में। तो मैं DGP महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के आला अधिकारी और इस वीडियो के माध्यम से सभी जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि जो लोगों के पास धन बल के कारण हम लोग जैसे लोगों पर अन्याय करते हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब मैं आपको इससे रूबरू कराता हूँ ये घटना क्यों हुआ। वहाँ पे एक बहुत दबदबा वाले लोग हैं जिनका नाम है राजू सिंह घाट उर्फ अशोक कुमार सिंह, पिता लक्ष्मेश्वर सिंह, उनका चंदवारा में जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के समीप सारे जमीन पर अवैध कब्जा है, और उनका यह कहना है कि प्रति कट्ठा आपको वहां पे जमीन अगर आप लेते हैं किसी भी मालिक से तो प्रति कट्ठा आपको वहां 2 लाख रुपया रंगदारी के तौर पे देना होगा, क्योंकि उनका वहां पे दबदबा है, उनके वहां लोग हैं उनके हिसाब से। तो मुझसे 2 लाख रुपये प्रति कट्ठा रंगदारी मांगा गया, जो मैंने देने से मना कर दिया कि जमीन के मालिक आप नहीं हो तो फिर मैं आपको रंगदारी क्यों दूं। इस कारण से मुझे प्लानिंग के तहत भोली श्रीवास्तव द्वारा और मुझे और सुनील सिंह को बुलाया गया, और 22 तारीख के दिन हम पे गोली चलाया गया। अगर वहाँ पे लोकल लोग ना होते, मेरे पार्टनर द्वारा सुनील सिंह द्वारा अगर चिल्ला के लोकल लोगों का सहयोग नहीं लिया जाता तो आज मेरी मृत्यु हो गई रहती। और घटना 22 तारीख को हुई, अय्यापुर में 316/20 कांड संख्या नंबर है, आज तक कोई भी अरेस्टिंग नहीं हुई। वहाँ पे राजू सिंह के इशारे पे करने वाले जो भी उनके सहयोगीगण थे सबको मैं जानता हूँ, बाई नेम एड्रेस भी जानता हूँ, फोटोग्राफ भी मेरे पास है। उस दिन वहाँ गोली चलाने में भोली श्रीवास्तव ने मुझे बुला के लाया वहाँ पे, और वहाँ पे राघवेंद्र सिंह, पिता मधुसूदन सिंह, उनके भाई मुकेश सिंह, उनके 2 पुत्र, इसके अलावा अभिनव सिंह और पिता स्वर्गीय अमरेश सिंह, इसके अलावा उसका छोटा भाई और अज्ञात में करीबन 10 लोग वहाँ मौजूद थे, जो अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मुझ पर जान लेने की कोशिश की, और बम भी चलाया गया। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर था जहाँ मैं छिप गया, जिस कारण मेरी जान बची और यहाँ गोली लग गई, जो आप देख सकते हैं, वरना मैं इस धरती पर नहीं रहता। मैं तमाम प्रशासनिक लोगों से, DGP महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मेरी जान माल को सुरक्षा की जाए, और मेरे साथ उचित न्याय करते हुए जो जिस लोगों ने मेरे साथ गलत करा है उनको जेल भेजा जाए, कि इससे ये पता चले
कि राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, पैसों वालों का बस बोलवाला नहीं है कि आप जब चाहें गोली चलवा दें, हत्या करा दें। और मुझे ये भी धमकी दिया गया है कि 1 महीने के अंदर तुम्हारा हत्या करा देंगे, अभी तुम्हारा गोली लग गया है, बच गए हो तुम, और तुम्हारा हत्या करा दिया जाएगा, तुम देख लेना, और तुम्हारा जो तुमको जहाँ जाना है जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं आप सभी लोग से अनुरोध करता हूँ, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी, DGP महोदय, आला अधिकारी, प्रशासनिक जितने भी लोग हैं, इसके अलावा आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, शायद मेरा ये आखिरी वीडियो हो, क्योंकि वो लोग बहुत दबंग लोग हैं, पैसा का बहुत बल है उनके पास, तो कहीं मेरी हत्या ना करा दें। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद भी उन लोगों को सजा मिल सके, क्योंकि आज तक अभी कुछ नहीं हुआ, 22 तारीख को घटना हुई है और वो सारे अपराधी घूम रहे हैं, उनका फोटोग्राफ तक है मेरे पास, पता तक है, मैंने सब कुछ FIR में लिखाया है, फिर भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं निराश होकर आज मैं ये अपना वीडियो बना रहा हूँ, और देखिएगा आप लोग, एक ही इसी तरह कांड अय्यापुर में भी हुआ था, सानू हत्याकांड, उसमें भी बेचारे उसने वीडियो बना के दिया था DGP महोदय को, और आज तक कुछ नहीं हुआ, उसका हत्या हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि दूसरा सानू हत्याकांड मेरे साथ ना हो, इसलिए मैं सभी लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, और आप सभी लोग हमारी मदद करें, और कृपया, मैं एक बच्चा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग गार्जियन स्वरूप हैं, आप लोग भाई बंधु हैं, मेरी मदद करें इसमें, इस लड़ाई में, और हमारे जो भी कातिल हैं, दुश्मन हैं, उनको सजा दिलवाएं। धन्यवाद, थैंक यू।